अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पाकिस्तान लेकर एक नया एपिसोड वकार आपकी खिदमत में हाजिर है। शुरू उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरी इस हदीस के अंदर है, आप लोगों को बड़ा समझना है और मुझे जब आप कॉल्स करेंगे तो बहुत सोच समझ के कॉल्स करेंगे, टॉपिक से हट के कोई बात हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हदीस है और रवायत है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें जिस इंसान में होंगी वो खालिस्तन मुनाफिक है। मुनाफिक, ये मैं लफ्ज तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, मुनाफिक। आगे इस मुनाफिक की एक डेफिनेशन है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इनमें से एक बात भी अगर किसी इंसान में है तो वो मुनाफिकीन में आएगा, वो मुनाफिक है। नंबर वन, जिसको अमीन बनाया जाता है अगर वो अमानत में खयानत करे तो वो मुनाफिक है। गौर कीजिएगा इस पहली शर्त पे, जिस शख्स में ये चीज होगी, अगर आपने कोई चीज उसको अमानत के तौर पे उसके हवाले की, कुछ भी किया है, जहां वो आपका अमीन है, आप उसको अमीन बनाते हो अपनी जात के किसी भी हवाले से, और अगर उसमें वो खयानत कर रहा है तो वो मुनाफिक है। दैट्स द पॉइंट नंबर वन। जब भी वो बात करे झूठ बोले, यानी कि एक मुनाफिक की जो दूसरी खूबी बयान की गई है कि वो हमेशा आपसे झूठ बोलेगा। अब पहली जो मैंने बात की कि अगर आपने कोई अमानत उसके हवाले की और उसने उस अमानत में खयानत की तो वो मुनाफिक है, अगर वो झूठ बोलेगा तो वो मुनाफिक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो वादा करता है, वो वादा किसी से भी करता है, वो अपने आप से करता है, वो आपसे करता है, मुझसे करता है, 16 करोड़ पाकिस्तानियों से करता है, चाहे वो फर्दे वाहिद से करता है, चाहे वो वादा वो अपनी खुदा की जात से करता है, अगर वो अपने वादे से फिर गया तो वो भी मुनाफिक है। और चौथी चीज जो आजकल दिन ब दिन हम लोगों में बढ़ती जा रही है कि जब भी लड़ाई होती है तो हम लड़ाई के अंदर वो हदें पार कर देते हैं, उस बेहूदगी तक चले जाते हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि एक मुसलमान होने के नाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते, खुदा और उसके रसूल को मानने वाले हम पाकिस्तानी या मुसलमान जब लड़ते हैं तो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं जहां पर यकीन जाने की शर्मिंदगी होती है अक्सर, इवन कि मैं भी कभी कभी इस सिस्टम का वो हिस्सा बन जाता हूं। तो जब ये चीजें मैं आज रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि हम लोग तो मुनाफिक हैं, यानी कि हमने किस सेंस में हम अपने आप को एक मुसलमान कहें, हम किस सेंस में अपने आप झूठ हम लोग बोलते हैं। आम जिंदगी में आम छोटी सी छोटी बात पर हम लोग झूठ बोल जाते हैं, अमानतों में खयानतें हो जाती हैं, कोई आपको अमानत देता है, कोई कुछ भी होता है, 16 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जो हम लोग इलेक्शन में वोट डालकर जब अपने इन सरबराहों के हवाले करते हैं इनके वादों पर, तो ये क्या करते हैं। ये अब तक की 30 साल या 40 साल की हिस्ट्री है, आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो मुझे कोई एक लीडर बताएं, कोई एक लीडर जिस पर आप लोग बेखौफ खतर ये बात कह सकें कि जनाब ये वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी हमसे झूठ नहीं बोला, ये हमारी क्यादत कर रहा है, ये हमारा लीडर है, इसने कभी भी वादा खिलाफी नहीं की, इसने कभी भी कौम के साथ बदयानती नहीं की, इसने कभी कोई झगड़ा नहीं किया। तो ये चार चीजें जब मैं अपनी आम रूटीन की लाइफ में जब सामने रखता हूं तो मुझे कोई ऐसी क्यादत नजर ही नहीं आती, माए सवा अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने मुझे जिसका उम्मती बनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हदायत पर हम जिंदगी गुजारते हैं, और कुरान और हदीस की रोशनी में जहां हम ये चार सिफात अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते तो बासानी हम एक दूसरे को मुनाफिक कह सकते हैं। किसी को इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, झूठ बोलते हैं हम, रूटीन में बोलते हैं। इस सच को हम क्यों ना फेस करें कि हम रूटीन में छोटी छोटी चीजों की, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए हम लोग झूठ बोल जाते हैं। हमें नहीं अंदाजा होता कि हम जिंदगी की रूटीन की लाइफ में ये जो काम कर रहे हैं ये क्या हो रहा है।
तो फिर आप सोचें कि जिन लीडरों के हाथ में आपने 16-17 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल दिया हुआ है, जियो के आबादी में 2 या 3 करोड़ एलीट क्लास है, जिनके हाथ में हमारा मुस्तकबिल है, हमसे वो दिन में कितने झूठ बोलते हैं, वो कितने वादे करके इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शनों में आकर फिर वो जो हमें प्रोग्रेस दे रहे हैं और जिस तरीके से जो निजाम वो चला रहे हैं, क्या मैं ये लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करूं? आप लोग मुझे कॉल करके बताएंगे। ये है वो मेरा टॉपिक, ये टॉपिक रेलेवेंट है मेरी उस धरती मां से, ठीक है ना। ये वो धरती है, वो जमीन है जिसका, यानी हम अपनी मां के मुस्तकबिल को, यानी इंसान की जिंदगी में दो किस्म की मांएं आती हैं, एक वो जो धरती है, वो जमीन है जो उसकी पहचान है, वो आइडेंटिटी, और एक वो मां जो हमें पैदा करती है। आज मेरा टॉपिक जो है वो मिक्सअप हो रहा है, एक मां के हवाले से और एक मुनाफिकीन के हवाले से। आप लोग डिसाइड करें अपनी जात के साथ, आप लोग सोचें क्या हम क्या इस मुनाफकाना जिंदगी से गुजर निकल सकते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस मुनाफकाना जिंदगी से निकाल सकता है कि हम अपने लिए अच्छे फैसले कर सकें और अपने लिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, अच्छे नुमाइंदे लाकर सामने खड़ा करें जो हमारी जिंदगी में कम अज कम सच तो ले आए। खुदा की कसम, सच के अगेंस्ट घास खानी पड़े ना एक मुसलमान को तो वो भी जन्नत का रास्ता खोल देगी, लेकिन एक झूठ के इवज मैं कहता हूं एलीट, आप जैसी मर्जी ब्रेड खा लें, जैसा मर्जी आप काम कर लें अपने सामने, जैसे मर्जी इंतजाम कर लें अपनी जिंदगी की, लाइफ को जितना मर्जी लग्जरी बना लें, कामयाबी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो कामयाबी है जमीन पर वो बहुत आर्जी है। वो कामयाबी जो आपको आखरत में जिस चीज का हिसाब देना है, जिस चीज के लिए आपको आंसरेबल होना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में, वो है असल चीज जिसको हम लोग बहुत ईजी ले रहे हैं। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारी जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है। आप अपना बचपन उठाएं, आप अपनी बचपन की तस्वीरें उठा के अपने सामने रखें और अपनी जवानी की तस्वीर सामने रखें, अपना बढ़ापा, अगर आप बूढ़े हो चुके हैं तो बढ़ापा अपने सामने रखें, यकीन करें आपको खौफ आने लगेगा कि जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है और इतनी लापरवाही मेरी जिंदगी में कि मैंने अपनी जिंदगी को मुनाफिकों के हवाले कर दिया, क्योंकि मैं खुद मुनाफिक जो हो बैठा, मैं उनकी बातों को सुनता हूं और मैं यकीन कर लेता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि मैं सामने वाले की जो बात है और उसका जो अमल है, उस दोनों चीजों को तराजू में डालूं और इस चीज को जज करने की कोशिश करूं कि या रब्बुल आलमीन मुझे सही रास्ता दिखा कि वो जो सामने खड़ा हुआ मेरे सामने के 2 घंटे की तकरीर करके गया, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर मुझे जो पिछले 20-30 साल से जो एक लुकमा मेरे मुंह में डाल रहा है इलेक्शन के वक्त, बिरयानी की जो देगे हमारे सामने खोलता है, या रब्बुल आलमीन मुझे रास्ता दिखा। अपने आप से, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। देखे जिंदगी मेरी गुजर जाएगी, मुझे नहीं पता मुझसे मेरे पहले बच्चे चले जाएं या मैं चला जाऊं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जिंदगी की एक हकीकत है कि इस दुनिया से हमने जाना ही जाना है। लेकिन इतना बड़ा मेरा टॉपिक जो है वो यही है कि हम क्या इस मुनाफकाना जिंदगी से निकल सकते हैं, कि हमारे सामने जो हमारे लीडर्स हैं वो हमें क्या दे रहे हैं और हमसे क्या ले रहे हैं, क्या वो हमारी अमानतों में खयानत तो नहीं कर रहे, क्या वो हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। ये है वो जिंदगी जो इन्होंने हमें दी है। लेकिन उससे पहले मैं हस्बे रवायत एक मिली नगमा आपको सुनाना जरूर पसंद करूंगा। आप प्लीज इस नगमे को सुनिए पहले।